लखनऊ कोर्ट रूम में जिस तरह संजीव जीवा की सरेआम हत्या कर दी गई थी उसके बाद में बुलंदशहर पुलिस प्रशासन सुस्त दुरुस्त व्यवस्था में दिख रहा है। कोर्ट रूम के बाहर खुद SSP बुलंदशहर सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जो तमाम लोग कोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं वो सुरक्षा के दायरे में होकर अंदर गुजर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल आपको दिख रहा है यहाँ पर और SSP खुद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और जो लोग अंदर गुजर रहे हैं वो अपनी ही निगरानी में उनकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए क्या दिशा निर्देश बने हैं शासन की ओर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे भी प्रदेश भर में कोर्ट्स हैं उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पूर्व से निर्देश प्राप्त है, जिसके क्रम में आज यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी एवं अन्य सदस्यों के साथ और जो जनपद स्तर पर सुरक्षा समिति कोर्ट की सुरक्षा के लिए बनी हुई है उनके सदस्यों के साथ यहाँ कोर्ट परिसर का भ्रमण किया गया है और जो एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स हैं उन पर प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि नहीं और विशेष करके वेपन लेकर के कोई प्रवेश इत्यादि तो नहीं करने का प्रयास कर रहा, इसको लेकर के यहाँ सभी को ब्रीफ किया गया है। कोर्ट रूम में और बाकी जो परिसर भर में कैमरे हैं उनको भी चेक किए गए, सभी यहाँ चालू अवस्था में है और जो छोटी मोटी कमियाँ थी उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था अभी ठीक पाई गई। तो ये SSP बुलंदशहर श्री त्रिलोक कुमार सिंह साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अंदर CCTV कैमरे लगे थे और सुरक्षा व्यवस्था का जो बंदोबस्त है उसको दुरुस्त करने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सानामा चौधरी, न्यूज 24, बुलंदशहर।